तो गरीब साइंटिस्ट में आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि ऐसे PSLV के बारे में जो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। आज हम जानेंगे PSLV 3S के बारे में। तो ये वीडियो थोड़ा शॉर्ट होगा। तो मैं अपनी रिसर्च कर रहा था प्रीवियस वीडियो के लिए, जो इसरो के SRE कैप्सूल के ऊपर स्पेस रिकवरी एक्सपेरिमेंट, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख लो। वो उसके ऊपर बेसिकली इंडिया की पहली चीज़ जो हमने स्पेस भेजी और रिकवर की सक्सेसफुली। तो मैं पेपर पढ़ रहा था, एक रिसर्च पेपर जो सिवन सर ने लिखा था 2007 में, उसमें एक जगह PSLV के वेरिएंट्स लिखे हैं। तो मैं वही पढ़ रहा था PSLV के वेरिएंट्स। एक HP वेरिएंट था, हाई परफॉर्मेंस वेरिएंट, जो अब तक दिखा नहीं, पर बाद में साइड में एक छोटा सा अजीब सा रॉकेट दिखा जो PSLV की तरह ही था पर छोटू था। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया था क्योंकि मुझे इस वेरिएंट के बारे में नहीं पता था। वहाँ लिखा था PSLV S3 या 3S। अब ये PSLV बेसिकली वो PSLV है अगर आपने उसका सेकेंड स्टेज निकाला, जो विकास स्टेज है, वो निकाल के वापस रॉकेट को ज्वाइन कर लिया तो वो 3S बन जाएगा। टिपिकल PSLV में फर्स्ट स्टेज है जो सॉलिड S139 बूस्टर, फिर विकास इंजन का स्टेज है, फिर एक और छोटा बूस्टर S7 बूस्टर, और उसके ऊपर एक लिक्विड स्टेज, फाइनल फोर्थ स्टेज। इसमें वो नहीं था। अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे इसलिए लगा क्योंकि इसका पेलोड कैपेबिलिटी देखोगे तो करीब 600 किलो है टू लोअर ऑर्बिट। अब लोअर ऑर्बिट कहाँ वो स्पेसिफाई नहीं किया कितना एग्जैक्ट ऑल्टीट्यूड, बट स्टिल इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि इसरो SSLV डेवलप कर रही है जो करीब 500 kg लेके जा सकता है लियो में, और सोलर सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में 350-ish। तो जब इसरो SSLV का डिसीजन लिया, क्या इन्होंने PSLV 3S के बारे में सोचा? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि एक ऑलरेडी कॉन्सेप्ट था जो उससे ज़्यादा पेलोड कैपेबिलिटी लेके जा सकता है SSLV से। एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन लाइन्स यूज़ करता है तो उन्हें एडिशनल इक्विपमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, एडिशनल केसिंग वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर बहुत काफ़ी क्यूरियस हो गया था मैं कि इन्होंने PSLV 3S को क्यों नहीं सिलेक्ट किया। मैंने विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से भी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की और उनसे पूछा कि PSLV 3S का हुआ क्या। तो उन्होंने कहा कि ऑफिशियली PSLV 3S एग्जिस्ट नहीं करता। अब ये तो एक्सपेक्टेड था, तो इसका मतलब ऐसा ऑफिशियली एग्जिस्ट नहीं करता है वेरिएंट इस PSLV का। तो काफ़ी अजीब लगा मेरे को, एक्सपेक्टेड था क्योंकि ये शायद क्लासिफाइड हुआ रहेगा, क्या हुआ रहेगा मुझे नहीं मालूम। तो ये बस एक डिस्कवरी नहीं बोल सकता, ये जो चीज़ के अक्रॉस में आया वो आपको बताने के बारे में सोचा। बट जो उन लोगों से बात किया मैंने, मतलब जिनसे भी पूछा ये क्यों हुआ रहेगा, उनका रीज़न यही था कि कॉस्ट, SSLV टेक्निकली ज़्यादा सस्ता पड़ेगा जो जैसे उसे डिज़ाइन किया है बनाने के लिए, कंपेयर टू PSLV 3S। मतलब आप क्या निकाल रहे हो, बस सेकेंड स्टेज ही तो निकाल रहे हो, बाकी सब तो वही रॉकेट है। और ये आप मेरा रेंडर देख सकते हो, यहाँ पे आपको थोड़ा और आइडिया आ जाएगा। PSLV CA है लेफ्ट में, बीच में है PSLV 3S और राइट में है SSLV। तो आप देख सकते हो SSLV स्लिम है, टॉल है, 34 meters है। PSLV 3S करीब 32 meters आसपास आ जाता है और मेन PSLV CA जो है वो 44 meters। तो बस यही बताना था, ज्ञान की गरीबी सबसे बड़ी। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो के प्रोड्यूसर्स थे कार्तिकेया देवाल, वुटला चैतन्य, जयम शर्मा, रोहित सुवर्ण, हरमन संगा, नारायण प्रसाद, सुमित रामडाड़े, हिमांशु शंकर, गौरव बजाज, गगनदीप भाटिया, मार्क 7, संदीप रामकृष्णन, वीव, वैभव त्रिवेदी, भैरव हजारिका, सचिन यादव, कुशबी मेहता, आकाश पाटिल, विक्रम वर्मा, रितु सोलंकी और द HBS। शुक्रिया सब मेंबर्स को और सबसे